खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों का विरोध नहीं कर रही है। अवैध रूप से अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी मीडियम का विद्यालय नहीं चल सकता, तो फिर अवैध मदरसा क्यों चलना चाहिए? जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो मान्यता प्राप्त कर मानक को पूरा करें। आखिर उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद नहीं कर रहे हैं। यूपी में अवैध शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। अवैध कुछ भी नहीं चलेगा। सरकारी जमीनों पर बने मदरसे तो अवैध हैं, और अवैध अवैध होता है, वैध वैध होता है। उन्होंने कहा है कि अवैध मदरसों से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अवैध कुछ भी हो, कोई क्लिनिक नहीं चल सकता है, और जिसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हम उनको नहीं बंद कर रहे हैं, जो मान्यता नहीं प्राप्त किए हैं वह मान्यता प्राप्त कर लें, जो मानक है उसको पूरा कर लें, तो कोई कहीं पर उनको समस्या नहीं होगी। लेकिन अवैध तरीके से, अब उत्तर प्रदेश में अवैध शब्द के लिए जगह नहीं।